नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों को बगीचा ले जा रही हूँ, लेकिन अभी मैं सुबह सवेरे घर पर हूँ। घर से हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम जो है गाड़ी में जाएंगे, पैदल हम जा नहीं सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पैदल जा जा के हमारे लिए बगीचा बना लिया, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है तो हम गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी है उस जगह, वहाँ वो बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं, वहाँ से हम घूम के जाएंगे। वो सामने वाली पहाड़ी पे हमारा बगीचा है, वहाँ जाएंगे आज। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से हमें जाना है, कहाँ है हमारी गाड़ी पता ही नहीं चल रहा मुझे। ओ वहाँ है, चाचू भी रेडी है। मैं रेडी। चाचू अब तो मेरे फ्रेंड पहचानते हैं आपको, हेलो बोल दो। हेलो अब किसका वेट कर रहे हैं हम? दीपक कुमार का। अच्छा, हम सब यहाँ पर दीपक कुमार का वेट कर रहे हैं। अब वो आएगा तभी हम लोग खेत जा पाएंगे। क्या काम है वैसे दीपक कुमार के साथ? टिफिन लेना है। टिफिन लेके लंच बॉक्स लेना है, टिफिन बॉक्स लेना है उससे, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। दौड़ गया ओए, टाइम नहीं है तेरे। अरे टांग छोटा है, वहाँ जल्दी पैर लेवल उठा लगा। ढाई फुट तो खुले, वहाँ से पैर छोटा पैर लगा रहा है, लंबा पैर लगा। नमस्ते जी। वो आया दीपक, तो हम दीपक के वेट कर रहे थे। पिंक कलर का पट्टू लगा गया। क्या लाया लंच बॉक्स में? यहाँ दे दे थोड़ा सा। सब्जी रोटी, सब्जी रोटी। आज चुटू बोले। हाँ तरबूज जाने से मेरे पर दिन। हाँ तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बगीचे के पास वाले रास्ते में, कोई बगीचे नहीं पहुंचे। मैं आपको बगीचे का ट्रैक दिखाऊंगी। सीधे सीधे जाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस थोड़े वहां से ऊपर ऊपर जाएंगे। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है, सीधा सीधा सा है। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बगीचे जाने के लिए। और यहाँ हमारे पड़ोसी हैं, ये है आंटी जी का घर जिनसे मैंने आपको मिलाया था, और वहाँ है अभी जी का घर, उनसे भी कभी मिलाऊंगी मैं आपको। तो अभी मैं पहले आपको अपने फार्म हाउस ले चलती हूँ। नहीं बनाया था ये। दोस्तों बगीचा पहुंचते ही सबसे पहला काम होता है यहाँ पर धूप जलाना। हमारे यहाँ इसे शपक आ जाता है, वैसे लोअर किन्नौर में शुरकू बोलते हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि यहाँ धूप जलाएंगे, उसके बाद ही बगीचे में जो भी काम करना है फिर स्टार्ट होगा। तो मैं पहले जला लेती हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ हमारे फार्म हाउस की छत पे, और हम जिस काम से आज आए हुए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए तो ये देखिए, पिछले दिनों जो लकड़ी हमने काट के रखा था तो लेबर भाइयों ने यहीं पे रख दिया, इसकी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पर चाचू और सासू जी इसे ढेर लगा रहे, इसे सही तरीके से बिठा रहे, रख रहे। तो पहला काम तो ये है, और अब मैं आपको दूसरा काम बताती हूँ। तो वहाँ जो है पानी का टंकी है,
ये नया बना हुआ है टंकी, पहले भी था टंकी तो, पर क्या है कि वो लीकेज की वजह से और थोड़ा साइज़ में छोटा होने की वजह से ख़राब कर दिया और दोबारा बनाया। तो इसका जो मलबा है वो इस टंकी के बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से यहाँ सेब के पेड़ दब गए हैं और यहाँ आड़ू का पेड़ भी दब गया है। तो इनके जो सरफेस एरिया है वो खाली करना है, तो ये काम करना है। ये तो आज मुश्किल ही, पर ये काम ज़रूरी है। तो इसकी वजह से यहाँ से रास्ता बंद हो गया, ये काम ज़रूरी है आज। दोस्तों आपने देखा यहाँ काम करना शुरू कर दिया है चाचू और सासू जी ने। तो मेरा काम तो है खाना बनाना और मैं जा रही हूँ दाल चढ़ाने। अभी मैं दाल चढ़ा के रख दूँगी तो टाइम पे पक भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझसे कहा गया कि जो आपको पसंद है वही दाल बना लो, तो मैं राजमा बना रही हूँ। वैसे भी राजमा सबको पसंद होता है, तो मैं पहले दाल चढ़ा लेती हूँ फिर थोड़ी देर हेल्प करती हूँ, क्योंकि दाल पकते तक मुझे कुछ काम नहीं है। साफ़ सफाई तो मैंने कल कर दिया था, तो दाल चढ़ाकर मैं पीछे जाती हूँ, घर के पीछे काम। दोस्तों अब थोड़ी बातचीत हो जाए, जब तक आपसे बात ना करूँ ना तो मुझे भी चैन नहीं मिलता है। आपसे बात करने के बाद ही मुझे सुकून मिलता है। होता है ना कभी ऐसे कि हम अपने फैमिली मेम्बर से भी बात नहीं कर पाते हैं खुल के, और हस्बैंड से भी नहीं, हस्बैंड को तो ज़्यादा बोलो फिर झगड़ा हो जाता है, रहने दो। फिर जो होता है बेस्ट फ्रेंड, उसी से हम बात कर पाते हैं, दिल की बात, मन की बात, मोदी जी की तरह। तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं मुझे कि मैं पूछे मत, कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मैं अकेले ही मुस्कुराने लगती हूँ, अकेले ही बड़ी खुश हो जाती हूँ, और फिर हस्बैंड को दिखाती हूँ, देखो देखो ये लिखा है वो लिखा है वाली बात। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स के मैं कई बार रिप्लाई नहीं करती हूँ, वो कारण ये है कि मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स को टॉप कमेंट में डालने के लिए रख देती हूँ। जहाँ पे YT स्टूडियो में जहाँ पर नोटिफिकेशंस आते हैं, कमेंट्स के नोटिफिकेशंस आते हैं, वहाँ पर अगर रिप्लाई कर दूँ तो फिर वो कमेंट्स गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ, मैं टॉप कमेंट में डालते वक्त ही रिप्लाई करती हूँ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई नहीं करती, मैं कमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ, सभी कमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ, पर मैं पेंडिंग इसलिए रखती हूँ ताकि मैं उसे टॉप कमेंट में डाल सकूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से मेरा हेजिटेशन भी गायब हो गया। पहले याद होगा आपको कि मैं जब भी कंटेंट बनाती थी कोई भी, तो मैं उस कंटेंट की इर्द गिर्द ही बात करती थी, मैं फालतू की बातें नहीं करती थी। लेकिन जब से मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ तब से मैं बहुत फालतू बातें कर रही हूँ, और मेरा मन भी बहुत हल्का होता है आपसे बातें करके। तो अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो लिख देना कि बहुत बातें करती है, अगर नहीं लगता है तो मैं ऐसी बातें करती रहूँगी। तो सच में मेरा हेजिटेशन गायब हो गया है, और मैं बहुत दिमाग से भी बहुत सुकून महसूस करती हूँ आजकल आप लोगों के साथ। तो आपका साथ ऐसे बनाए रखिएगा और आगे का सफ़र जारी रहेगा। तो अभी मैं काम क्या है वो देख लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। Thank you.
तो अचानक से सिलेंडर खत्म हो गया और स्टोव भी काम नहीं कर रहा, तो अब आग जला के खाना बनाने पे मजबूर हो गई हूँ। और देखिए तो राजमा दाल चढ़ा रखा है, मलका होता तो पक भी जाना था जल्दी से। बड़ी मुश्किल से खाना बना पाई दोस्तों, आज तो हालत खराब हो गई। सोचिए हमारी मम्मी वगैरह, हमारे अप्पी वगैरह, दादी वगैरह कैसे बनाते होंगे बेचारे। दोस्तों मैंने अब चावल चढ़ा दिया है और दाल मेरा रेडी है। अब आप ये बोलोगे कि मुझे जो है कुकर वगैरह पतीले के बाहर से राख मलना चाहिए था, तो कुकर के समय मुझे याद था उस वक्त ही कुकर गर्म था क्योंकि मैंने गैस पे चढ़ाया था। होता कुकर होता है। और जो है ये पतीला है, उस वक्त मुझे बिल्कुल याद नहीं आया, तो कोई बात नहीं, स्टेबल है, रगड़ के दोनों ही निकल जाएगा। चावल भी रेडी हो गया, मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पड़ी है। दोस्तों आज का काम ख़त्म हो गया है और हम सब घर के लिए जा रहे हैं। आज तो हालत मेरी ख़राब हो गई खाना बनाते हुए, कल पता नहीं क्या होगा, चलिए कल देखते क्या होता है। तो आज का टॉप कमेंट है ये, इसी तरह आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और कल मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखते, बाय।